पृथ्वीराज चौहान की बायोपिक के लिए अक्षय कुमार ने भरी हामी, अगले साल होगी रिलीज। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार इन दिनों एक के बाद एक कई फिल्में साइन कर रहे हैं। पिछले दिनों अक्षय ने अपनी फिल्म केसरी की शूटिंग पूरी है, तो वहीं अब अक्षय कुमार यशराज बैनर तले बनने वाली पृथ्वीराज चौहान बायोपिक के लिए हां कर दिया है। इस फिल्म को चंद्र प्रकाश द्विवेदी डायरेक्ट करने वाले हैं। इस साल के आखिरी में फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। इतना ही नहीं, फिल्म को अगले साल रिलीज करने की भी प्लानिंग की जा रही है। वहीं फिल्म में संयोगिता के रोल के लिए नई हीरोइन तलाशी जा रही है। खबर है कि इस फिल्म के लिए यशराज बैनर को नए चेहरे की तलाश है। पृथ्वीराज चौहान बहुत वीर योद्धा थे और उन्होंने मोहम्मद गौरी को कई बार युद्ध में हराया था। पृथ्वीराज चौहान और संयोग्यता की प्रेम कहानी भी बहुत मशहूर थी। जयचंद की बेटी संयोग्यता पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी और पृथ्वीराज चौहान संयोग्यता को स्वयंवर से भगा ले आए थे। जयचंद पृथ्वीराज चौहान से इतना चिढ़ता था कि वो मोहम्मद गौरी से मिल गया था। पृथ्वीराज चौहान की कहानी में वीरता है, रोमांस है और कई नाटकीय मोड़ भी। यशराज बैनर इस फिल्म को बड़े पैमाने पर बनाने की सोच रहा है। यशराज फिल्म्स ने पृथ्वीराज चौहान की बायोपिक पर काम शुरू कर दिया है। फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। फिल्म के कास्ट और सेट्स की प्लानिंग चल रही है। आपको बता दें कि इस फिल्म के जरिए अक्षय यशराज बैनर के साथ कई सालों बाद काम करेंगे। उन्होंने अब तक यशराज के साथ टशन, दिल तो पागल है और ये दिलगी जैसी फिल्में की हैं। आपको बता दें कि साल 2018 अक्षय कुमार के लिए बहुत ही शानदार रहा है और साल 2019 में भी खिलाड़ी कुमार एक के बाद एक 5 फिल्में रिलीज करने जा रहे हैं।